Assalamualaikum. Alaikum, 6th class is the science lecture 2. Today is the 8th May 2021 and day is the Saturday. As you know, we are on the chapter number 2, that is the life and living things. And in last lecture, we have discussed the difference between living things and non living things. And today, our topic is life processes. So, in this topic, we discuss the 7 characteristics or life processes that all living things have. So, let's start. Here we have the first character that all living things have, and that is the feeding. दी एनिमल्स एंड दी प्लांट्स फीड टू प्रोड्यूस इनर्जी और टू ग्रो अब जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं फीड करते हैं क्यों करते हैं ताकि वो क्या कर सकें इनर्जी प्रोड्यूस कर सकें और ग्रो कर सकें ठीक है आप क्या करते हो खाना खाते हो ठीक है वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं ठीक है वो आप खाते हो ठीक है खाते क्यों हो ताकि क्या कर सकें आप उन्हें उस उन फूड उस फूड से क्या कर सकें इनर्जी प्रोड्यूस कर सकें और ग्रो कर सकें ठीक है यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर जो है वो कुछ लॉइंस नजर आ रहे होंगे अब ये लॉइन क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं ठीक है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है तो उससे ऐसा लग रहा है जैसे ये ग्रास है ठीक है ग्रास ग्रास नहीं खाते लॉइंस लॉइंस तो जो है वो मीट ईटर होते हैं कार्निवॉर्स होते हैं ठीक है थीके? तो ये पानी पी रहे हैं ठीक है यानी कि ये फीड कर रहे हैं अब फीड जो है वो इसलिए करते हैं एनिमल्स ताकि वो क्या कर सकें ग्रो कर सकें ठीक है एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और उस एनर्जी से वो ग्रो कर सके ठीक है ये तो हो गया एनिमल्स ठीक है एनिमल्स फीड करते हैं प्लांट्स किस तरह से फीड करते हैं प्लांट्स को कभी आपने खाना बना के दिया और रोटी बना के दी हो कि ये लो भाई खा लो ताकि तुम क्या कर सको ग्रो कर सके नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस कार फोटोसिंथेसिस ठीक है प्लांट्स जो है अपनी फूड खुद बनाते हैं ठीक है किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं फोटोसेंथिसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं और उसके लिए से उसे जो है प्लांट्स को फोर चीजें रिक्वायर होती हैं सनलाइट चाहिए उसे सन से ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसे एटमॉस्फेयर से वो ले लेता है ठीक है वाटर चाहिए अंडरग्राउंड से ले लेता है ठीक है और इसके अलावा जो है वो उसे क्लोरोफिल चाहिए और इसकी प्रेजेंस में क्या करता है क्लोरोफिल जो है वो लीव्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है ठीक है लीव्स वो ऑर्गन है जिसके अंदर प्लांट जो है अपनी फूड खुद बनाते हैं ठीक है अब ये चारों चीजें मिलकर क्या करती हैं फोटोसेंसिस प्रोसेस होता है ठीक है और प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाता है यानी कि फूड बनाता है और वो फूड जो है वो पूरे प्लांट पार्ट में सप्लाई कर दी जाती है और उससे क्या होती है उससे इनर्जी मिलती है ठीक है और उसी इनर्जी से वो क्या होते हैं ग्रो करते हैं यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों क्या कर रहे हैं फीड कर रहे हैं ठीक है ठीके? खा रहे हैं ताकि वो क्या कर सकें ग्रो कर सकें और इनर्जी प्रोड्यूस कर सकें यानी कि ये करैक्टर जो है फर्स्ट करैक्टर जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है इज दी फीडिंग ठीक है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के अंदर ये करेक्टर प्रेजेंट होता है कि वो क्या करते हैं फीड करते हैं ताकि वो ग्रो कर सके सो कम ऑन दी नेक्स्ट करेक्टर डायरी ग्रो नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास ग्रो अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर नजर आ रहा होगा दिस इज द बेबी एलिफेंट एंड दिस इज द अडल्ट एलिफेंट ठीक है अब ये बेबी एलिफेंट जो है ये फीड करेगा ठीक है फूड वगैरह खाएगा और क्या हो जाएगा ग्रो करेगा और एक अडल्ट एलिफेंट की तरह क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा बन जाएगा ठीक है तो जितने भी लिविंग uh, थिंग्स हैं वो क्या करते हैं ग्रोथ करते हैं बिल्कुल इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रो करते हैं ठीक है प्लान्स जो प्लांट जो है वो थ्रू आउट दी लाइफ जो है वो उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है लेकिन जो एनिमल्स हैं वो एक स्पेसिफिक हाइट पे जाके उनकी हाइट स्टॉप हो जाती है फिर उससे ज़्यादा जो है उसकी हाइट इंक्रीज़ नहीं होती जैसे कि एक बेबी एलिफेंट है जब वो अडल्ट एलिफेंट होगा तो इससे ज़्यादा उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी ठीक है लेकिन जो प्लांट्स हैं वो थ्रू आउट दी लाइफ उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है ठीक है उनकी रूट्स रूट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती चली जाती हैं यानी कि वो क्या कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं तो ये सेकेंड करेक्टर जो कि ग्रोथ है ग्रो है वो जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सब के अंदर प्रेजेंट होता है क्लियर ओके नाउ कम ऑन दी थर्ड कैरेक्टर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन क्या है ठीक है एक्सक्री एक्सक्रेशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ठीक है आपकी बॉडी आप जी आपकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटीरियल है आप उसे एक्सपेल आउट कर देते हो और किस प्रोसेस के थ्रू करते हो डैट इज द एक्सक्रेशन ठीक है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसे रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से ठीक है एक्सपेल आउट कर देते हैं क्योंकि वो जो है वो वेस्ट मटीरियल है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होती है जब हम ब्रीथ लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट कर देते हैं एक्जेल कर देते हैं ठीक है थीके? और इसके साथ वाटर जो है स्वेटिंग के थ्रू वो भी रिलीज होता है और प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं प्लांट जो है उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एक्जेल कर देते हैं ऑक्सीजन जो है वो उसे खारिज कर देते हैं ठीक है थीके? इसके साथ साथ वो वाटर भी रिलीज करते हैं अब यहां पे देखिएगा एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं हम उसे एक्सपेल आउट कर रहे हैं ठीक है तो ये तमाम लिविंग थिंग्स करते हैं ठीक है अब यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर डियर नजर आ रही होगी ठीक है ये क्या कर रही है फीसिस कर रही है ठीक है यानी कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ठीक है जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है फीसिस है पॉटी है हम उसे एक्सपेल आउट कर देते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती ठीक है और किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं दैट प्रोसेस इज दी एक्सक्रीशन क्लियर अब यहां पे जो है एक तो हो गया फेसिस और दूसरा यूरिनेट भी हम करते हैं अब हम क्यों करते हैं यूरिन क्योंकि उसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती ठीक है उसके अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते तो हम उसे एक्सपेल आउट कर देते हैं अपनी बॉडी से ठीक है तो ये तीन करेक्टर्स थे ठीक है फर्स्ट वन इज दी फीडिंग सेकेंड वन इज दी ग्रोथ और थर्ड वन इज दी एक्सप्रेशन ठीक है सिंपल से प्रोसेस है ये करैक्टरिस्टिक्स uh, हैं जो कि तमाम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो आपने क्या करना है इसे अच्छे से रीड करना है ताकि कोई भी आपको जो है वो कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए